कैसे लगा आज का मैच? बहुत अच्छा, हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ हम जीत गए। इस्लामाबाद जलमी वाले अच्छा, ये जलमी वाले इसी तरह बोलेंगे ना जाहिर सी बात। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, शादाब ने क्या गेम। शादाब तो एंड में फिर थोड़ा सा हो गया था लेकिन अच्छा था, लेकिन जलमी वालों का बुरा हाल हो गया। देखो मैं ये कहना चाह रहा, जलमी ने एंड तक खेला है। खेला तो वो आखिरी बॉलर जो आखिरी खिलाड़ी उसने भी छक्का मारा है। अच्छा आखिरी आखिरी ने भी छक्का मारा। आमिर जमाल के बारे में क्या कहेंगे? आमिर जमाल तो लव है, लव है, लव हो गया उसका। आज बाबर पहली गेंद पे आउट हो गया, कितना मायूस है। फिर भी बाबर लव है, बेस्ट है बाबर। बहुत अच्छा था आज, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और हमें पहली दफ़ा आई थी स्टेडियम और बहुत मज़ा आया। कैसा लगा नसीम शाह का पहला ओवर? जी नसीम शाह का ओवर सबसे अच्छा था, वो उस पूरे मैच में सबसे अच्छा नसीम शाह का ओवर था। और बाबर आजम जैसे आउट हुआ तो सबने मतलब जलमी के सारे फैंस जो थे वो सारे बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। जी शादाब की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? शादाब ने अच्छी बैटिंग की। शादाब में शाह बरादर आज छाए हुए हैं जी, तो शाह बरादर को क्या पैगाम देते हैं? पैगाम यही कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और सबने बहुत अच्छा खेला इस्लामाबाद में और बहुत खुशी हुई। बहुत ज़बरदस्त मैच था और इस्लामाबाद बहुत ज़बरदस्त खेला। आई बिलीव के पेशावर ने जिस तरह शुरू में विकेट लूज की लेकिन बाद में आमिर जमाल और जो पार्टनरशिप हुई वो बहुत ज़बरदस्त थी, मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। सर पहले ओवर में नसीम शाह के दो आउट, क्या मूवमेंट थी? नहीं बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब वो दो विकेट हैं और उसके बाद फिर उसके भाई ने भी एक ओवर में दो विकेट आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट और ऑल क्रेडिट टू क्रिकेट आई वुड से क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे खेल की थी, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, बहुत मजा आया। किसको सपोर्ट करने आए थे? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को माशाल्लाह शादाब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, आजम खान ने बड़ी अच्छी की है, शाह बरादरान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। शादाब ने 3 विकेट ली जी, जबरदस्त। क्या कहेंगे शाह बरादरान को, पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड को? फुली सपोर्टिंग दे और इंशाल्लाह इस दफा PSL इस्लामाबाद के नाम से। कैसा लगा आज का मैच? मैच बहुत अच्छा था, असल में मैं पेशावर जलमी की सपोर्टर थी और मेरी टीम हार गई तो थोड़ी सी सैड हूँ लेकिन ओवरऑल मैच बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। बाबर जब पहली गेंद पे आउट हुए बहुत दिल दुखा, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लेकिन बस मैच है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत अच्छा। तो कहाँ लगा कि मैच अब हाथ से चला गया था पेशावर के लास्ट में जब वो आउट, आमिर जमाल जब आउट हुए तो लगा कि मैच हाथ से चला गया? उस टाइम सारे लोग जा रहे थे, बस क्राउड खत्म ही हो रहा था तकरीबन, तब निकल रहे थे। तो बाबर को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बाबर हमारी उम्मीद थी आज, उन्होंने नहीं खेला था, हम मैच हार गए तो इंशाल्लाह। तो नसीम शाह के बारे में क्या कहेंगे? नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी है, हमारा बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे बॉलर हैं वो और हमारे पाकिस्तान का फखर है। अच्छा लगा, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, फिर देखने के लिए आई थी कैसा माहौल है, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत क्राउड था, अच्छा था। किसको सपोर्ट करने आए थे? इस्लामाबाद को। माशाल्लाह आज शादाब ने, आजिम खान ने और शाह बरादर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग की है, क्या कहेंगे? मुझे जैसे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है मैच में, मुझे किसी का इतना कुछ पता नहीं है लेकिन बस मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो कोई प्लेयर अच्छा लगता है? बाबर के लिए सारे कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वही वाली बात है कि अच्छा। बाबर आज पहले ही बॉल पे आउट हो गया, आउट हो गया तो वही जैसे ही आया कहते हैं हम जिसको देखने के लिए आए थे वो तो आउट हो गया, मायूस हुए। ऐसा तो होता है, ऐसा तो हो जाता है, इतनी मायूसी नहीं है, ये तो लक की बात होती है, हमेशा अच्छा करता है तो आज भी अच्छा किया तो वही बात हुई। तो बाबर को कोई पैगाम देंगे? अलग रहे हमेशा, जो है ना आपकी जो रेपो है वो हमेशा कायम रहे। आपको क्या लगता है बाबर ब्रांड है? अपने सब उसका नाम लेके इतना पुकार रहे थे। हाँ मैच अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, ये था कि स्कोर बहुत था, जिस तरह बाबर के पास डेटा बहुत है इस तरह स्कोर भी बहुत था लेकिन चेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये था कि एक्सपेक्टेशन थी कि जल्दी जीतेगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच है, कुछ भी हो सकता है तो इट्स ओके। कितना मायूस हुए बाबर पहली गेंद पे आउट हो? हाँ बहुत ज़्यादा मायूस हुए क्योंकि बाबर से ही बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी तो, लेकिन खैर हार जीत होती रहती है, नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, नेक्स्ट टाइम होपफुली फिर वो अच्छा परफॉर्म करके। पहले ओवर में शाह बरादर
नसीम ने भी और हनैन ने भी दो दो विकेटें ली हैं। बस ये नसीब की बात है, उनकी लक थी आज, आज उनका लकी डे चल रहा था तो होम ग्राउंड भी था इस्लामाबाद का, मे बी ये भी एक एडवांटेज हो सकता है। तो इट्स ओके, हार जीत होती है। आमिर जमाल के बारे में क्या कहेंगे, एक दफा मैच उन्होंने पलट दिया था। हाँ, उन बहुत अच्छी बैटिंग की है, एक टाइम पे ऐसा लगा था कि जलमी जो है वो जीत सकती है, लेकिन फिर बस जो अल्लाह को मंजूर है इट्स ओके। कुछ बाबर को कह देंगे? बाबर साहब, अगर आप अब जल्दबाजी आज ना करते तो मे भी आप जो है वो गेम चेंज कर सकते थे, लेकिन ये है कि टाइम भी बहुत था और डेटा भी बहुत था आपके पास, तो खैर इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम खेल लीजिएगा। इन्जॉय किया है मैंने काफ़ी, बॉलिंग मुझे अच्छी लगी है, सिर्फ और सिर्फ नसीम शाह की, और मैं उसका, मेरा ड्रीमर बॉलर है वो, और मैं खुद ना उसी की तरह बॉलिंग करता हूँ। अच्छा, वाह। मैं खुद क्रिकेटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैंने हार्ड वर्क खुद भी शुरू की है, और बाकी जैसे आप ही ने बोला, मैं भी कोटा का स्पोर्टर हूँ, तो बस ऐसे इन्जॉयमेंट के लिए आया था, आया मैं बॉबी की वजह से था, और सैम की बैटिंग देखने के लिए, और उसके अलावा नसीम की बॉलिंग देखने के लिए। नसीम से तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मुझे नसीम की और बॉलिंग देखने आए थे, बॉबी की और सैम की बैटिंग देखने, नसीम ने दोनों को आउट कर दिया, दोनों को आउट किया। देखिए फिर भी मुझे खुशी हुई है, क्योंकि क्या नाम है, मेरा फेवरेट बॉलर है नसीम शाह, ठीक है, बॉबी नहीं चला, कोई नहीं है, सैम को चलना चाहिए था, उसने मुझे मायूस किया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया सैम ने, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। चले, लेकिन आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है उसके बारे में। आमिर जमाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, वो एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, और वो पाकिस्तान टीम में भी अच्छा एक ऑलराउंडर खेल चुका है, आपको पता भी है, पीछे इसने सीरीज में न्यूजीलैंड को शायद अच्छा मारा था, तो वो अच्छा एक ऑलराउंडर है। इंशाल्लाह वो नसीम शाह को कोई पैगाम देते थे? नसीम शाह यार, नसीम शाह मेरे आगे खड़ा हुआ है, मैंने उसको इतनी आवाज़ दी, उसने मुझे एक तक रिप्लाई तक नहीं दिया, ये भी गलत बात है। चले इधर से इधर ऐसे आ तो ला सकता था ना। चलो अभी कह रहे, शायद अभी आ देख के। नसीम भाई, आपको मैं आपका एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा और बिग फैन हूँ, और आपकी बॉलिंग मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे, और आप पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। किसको सपोर्ट करने आए थे? इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने आए थे। आज शदाब की बैटिंग और आसिम खान की बैटिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो क्या कहेंगे शदाब और आसिम खान? शदाब के, हमारी कोशिश थी कि वो सेंचुरी करे, बट वो आउट हो गया, लेकिन हमने शदाब को बहुत सपोर्ट किया और उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। नसीम शाह को क्या कहेंगे? हुनैन ने और नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, शदाब ने भी तीन विकेट लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की और फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी उनकी। तो कौन सा खिलाड़ी ज्यादा अच्छा लगता है? शदाब खान। शदाब तो शदाब को क्या बहुत अच्छा लगता था, बट उसको हम फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वजह ये थी, मैं जो सपोर्ट कर रही थी वो क्वेटा को कर रही थी, ठीक है, उसका टिकट मुझे नहीं मिला, सो मैं आज यहाँ पे आई, तो फिर मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड टिकट की वजह से आपने बाबर को सपोर्ट करना छोड़ी है? नहीं, असल में क्वेटा को मैं सपोर्ट करती, टिकट नहीं मिला, सो फिर मैं ये मैच देखने के लिए आई, तो फिर मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट किया। तो बाबर जब पहली गेंद पे आउट हुआ, मायूस थे? नहीं, मुझे कोई मायूसी नहीं हुई, क्योंकि मैं सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड को कर रही थी ना, इसलिए मुझे कोई मायूसी नहीं हुई। तो जब पहले बॉल पे हाइलिस आउट हुआ, तब मैं बड़ी खुश हुई थी, अच्छा दोनों साइडों पे आप भी खुश थे? नहीं, आप वो पूछ रहे ना कि बाबर क्यों, बाबर आउट हुआ तो आप खुश? इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली विकेट गिरी पहली बॉल पे, तब की बात कर। मैं असल में थोड़ी लेट गई थी, मैंने मैच नहीं देखा, थोड़ी लेट, दो तीन ओवर जो है ना वो लेट गई। थैंक यू।